सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि गिरती टीआरपी को देखते हुए क्या बोले हर्षद चोपड़ा। वेल आपको बता दें, स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो के सभी लीड एक्ट्रेस चेंज हो गए हैं क्योंकि कहानी में चौथी पीढ़ी शुरू हो चुकी है। तो वहीं प्रणाली और हर्षद की एग्जिट के बाद से ही शो की टीआरपी लगातार डाउन होती जा रही है। अब इस पर खुद सीरियल में अभिमन्यु का किरदार निभा चुके हर्षद चोपड़ा ने अपना बयान दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, जब लेटेस्ट इंटरव्यू में हर्षद से पूछा गया गिरती टीआरपी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि उनका इन सब से कोई मतलब नहीं है, उनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने नए कैरेक्टर्स पर कहा कि उन्हें कुछ टाइम दो, वो भी अच्छे एक्टर हैं। कास्ट जो है वो ना टीआरपी ला सकती है और ना ही ले जा सकती है। वहीं कुछ खबरें ऐसी भी थी जिसमें कहा गया था कि सीरियल गिरती टीआरपी के चलते बंद हो जाएगा, लेकिन मेकर्स और सीरियल के स्टार्स ने इसे फेक बताया। वेल, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। और इसी तरह टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।